हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी विमल झा। आज का टॉपिक है भूमि को कैसे समझें कि भूमि बढ़ी हुई है कटी हुई है। इसमें बहुत सारी भ्रांति है, बहुत सारे लोग यूं ही रेमेडी कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि भूमि कटी हुई है या बढ़ी हुई है। बिना बढ़े कटे को वो कर जाते हैं। अगर बढ़ी हुई भूमि है तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है आपके ऊपर। कहीं भी भूमि कटी हुई है, कहीं से भी, उसका अलग अलग इफेक्ट होता है। वो टॉपिक आज हम ले रहे हैं और ये इतना ही आएगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और बहुत सारे मित्रों का कहना था कि लंबी वीडियो वो दोबारा देख नहीं पाते हैं, दोहरा के देख नहीं पाते हैं अगर एक बार में समझ में नहीं आता है। इसी टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं और चाहे आप वास्तु वाले हो तो आपके समझ में आ जाएगा और नहीं हो तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि कोई आपके घर में गलत रेमेडी ना कर जाए। देखिए, सबसे पहला तरीका, ये एक भूखंड है, जमीन का टुकड़ा है, हो सकता है आपका मकान बना हुआ हो। ये एक भूखंड है। कैसे समझेंगे कि ये कटा हुआ है या इसमें बढ़ा हुआ है? सबसे पहले याद रखिए 50% कोने से 50% से ज्यादा अगर जमीन हो, जैसे ये कोना है यहां से और ये समझिए ये 50% है, इससे ज्यादा अगर जमीन यहां तक है तो भूमि अपने स्थिति में है यहां तक। अब अगर कट है या एक्सटेंड है तो इसके बाद हम उसको समझ लेंगे। जैसे यहां से हम ले लेते हैं, यहां से भूमि ऐसे होके कट हो गई है ये। अब ये जो है ना, ये भूमि कट है, इसको हम लोग कट बोलेंगे। ये जोन कट है, ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है वहां पर ये जोन कट गया है, कट जोन कहते हैं इसको। अब इसी पे अगर ये लेकर चलिए, जैसे बढ़ी हुई भूमि 50% को पकड़ के चलिएगा, 50% याद रहे। अब ये है और ये प्रॉब्लम यहां पर आती है। कट तो सभी पकड़ लेंगे, कट बिना कट के भी कट को पकड़ लेते हैं। अब यहां पर समझिए कि ये जो है ना भूमि, यहां पर 50% से ज्यादा यहां तक है और पूरी भूमि यहां तक, ये एरिया इस पूरी भूमि में है, केवल इतना बढ़ा हुआ है, इसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे, एक्सटेंड। भूमि एक्सटेंड हो गई है इतना, ये बढ़ी हुई भूमि है, ये कटा हुआ नहीं है। इसमें रेमेडी क्या कर जाते हैं लोग कि इसको कटा हुआ समझ के आपके 3-4 जोन को कटा हुआ बता देंगे और फिर उसकी रेमेडी कर जाएंगे। आपका जो भला होना था इस शास्त्र से, वो बुरा होना शुरू हो जाता है। भला नहीं होता, कम से कम भला तो नहीं होता है, बुरा होना जैसे भी हो वो आगे की बात है, पर कम से कम भला नहीं होता है। इस शास्त्र का जो औचित्य है, जो इस शास्त्र का लक्ष्य है, वो नहीं हो पाता है इससे। क्या है, कट और एक्सटेंड वाली भूमि का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है और पड़ता ही पड़ता है। जो जोन कटा हुआ है जिस डायरेक्शन में, वो आपका हमेशा क्षीण रहेगा, बहुत कमजोर जोन होता है। अगर साउथ ईस्ट कट जाए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन पे, नॉर्थ ईस्ट कट जाए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके जीवन पे, साउथ वेस्ट कट जाए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट कट जाए उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर कभी ईस्ट कटा हुआ हो, जैसे ये तो हमने कोने की बात कही, अब इसको तो ये समझिए एक कटान ये हो गया कि ये लेंगे और ऐसे, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कट रहा है, ठीक है ना, ये कटा हुआ है क्योंकि भूमि यहां तक होनी चाहिए थी, ऐसे होनी चाहिए थी, ये कटा हुआ है, ये कट गया, ये जोन यहां पर कटा है। इसी तरह से एक्सटेंड होता है, अगर ये पूरी भूमि है यहां पर और केवल इतना जाके ऐसे हो जाए, ये वृद्धि है, भूमि का वृद्धि कहते हैं इसको। जिस दिशा में भी हो, अभी दिशा की बात नहीं कर रहे हम, जिस दिशा में भी हो भूमि की वृद्धि कहते हैं इसको। अब यहीं पर आप ऐसे ले लीजिए, दूसरा तरीका ये है, बीच में भूमि वृद्धि हो गई ऐसे करके। एक तो इस टाइप की भूमि अच्छी नहीं होती, इस टाइप का प्लॉट ही अच्छा नहीं होता है। इसमें आप भुजा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टभुज प्लॉट है। अष्टभुज प्लॉट
वैसे शास्त्र में बहुत बुरा नहीं कहा गया है, ठीक है, एवरेज है, मगर इस टाइप का प्लॉट अच्छा नहीं होता कभी भी। अष्टभुज प्लॉट जो है ना, जो चतुर्भुज से आगे पीछे जब भी लेंगे तो उसमें आपको बहुत रेमेडी की जरूरत होती है, और आपको अच्छे वास्तु वाले से रेमेडी की जरूरत होती है। इस तरीके से नहीं कि यूं ही किसी ने कुछ भी बोल दिया या जरा सा किसी को कुछ पता है उससे आप रेमेडी करा लेते हैं, बाद में आप इस शास्त्र को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो ठीक नहीं रहता। इसी तरह इसको आप उल्टा कर लो, ये तब भी ठीक है, इसको कह सकते हैं। अगर ये भूमि यहां से ऐसे जाती है तो ये भूमि बहुत ही गलत हो जाती है, ये कट जोन हो गया। एक्सटेंड जोन आप ध्यान रखिएगा, जो बढ़ी हुई भूमि है, वृद्धि है भूमि में, वो चल सकता है कभी भी, उसको आप कर लेंगे, यहां पर रेमेडी भी बहुत मुश्किल से हो पाती है, इसको ध्यान रखिए। एक तो ये हो गया कटान में। अब एक जो जहां पर लोगों का दिमाग चल नहीं पाता है उसकी बात बता रहा हूं मैं। 50% याद है, 50% में होता है। एक है हमने ये ली भूमि, अब ये है इसका 50%, या तो 45% या 55%, दोनों तरफ से 45% हो गया ना, ये 45 है, ये 45 है, ये 50 है। अगर भूमि यहां तक बढ़ी हुई हो, ऐसे यहां तक बढ़ी हुई हो, मतलब 55% बढ़ी हुई है। अब इस भूमि को क्या माने, इसको कट माने या इसको एक्सटेंड माने, ये थोड़ा टेक्निकल है। इसको अच्छे वास्तु, अगर इस तरह की भूमि हो कभी आपकी, तो इसको अच्छे वास्तु वाले से दिखवाइएगा, जो वास्तु वाला ये देखे कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। यूं ही नहीं कि अगर किस, कभी कभार मैंने बहुत सारे देखे हैं जहां पर साउथ ईस्ट खराब है, बहुत बुरी तरीके से खराब है और कुछ नहीं हो रहा जीवन में, तो उसको छेड़ो मत, जब होगा तब देखेंगे। अब यहां पर सिम्टम्स देखिए, यहां पर रहने वाले लोग जो हैं उनके सिम्टम्स देखिए कि सिम्टम्स क्या हैं, कैसे हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं यहां के लोग। अब आप केवल और केवल एक बात पे जाएंगे कि सिम्टम्स मतलब यहां जो रहते हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं, किस हिसाब से जीवन जी रहे हैं, क्या ये कट जोन का फल मिल रहा है उनको या एक्सटेंड का फल मिल रहा है। एक्सटेंड का तो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा नहीं, एक्सटेंड का क्या है ना, उतना तो झेल जाते हैं ज्यादातर, कभी कभार बहुत ज्यादा 50 डिग्री गर्मी हो जाए वो तो आप झेल जाते हैं, अगर 10 डिग्री हो जाए टेम्परेचर तो मुश्किल हो जाएगा आपसे, ज्यादा बड़ा झेल लेते हैं, बहुत कम झेलना मुश्किल हो जाता है। ये उसी तरीके से है कि ये कम है, उस जमीन में इतनी दम नहीं है जितनी दम होनी चाहिए थी। उस टाइम में आपको यह देखना होता है कि मेरे ऊपर इस कट का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे आप ये मान के चलिए कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब यहां पर नॉर्थ ईस्ट कट गया, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, यहां पर नॉर्थ ईस्ट कट गया। नॉर्थ ईस्ट के कटने का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट मतलब दिमाग आपका, नॉर्थ ईस्ट कट गया, उसके बाद भी एक दिशा है वो कट गई। सारे दिशाओं के बारे में मैंने अभी नहीं बताया है इसलिए मैं दिशाओं पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक जो मेन दिशाएं हैं उसके बारे में बता दे रहा हूं। ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कटने से, नॉर्थ ईस्ट दिमाग होता है, जो वास्तु पुरुष होते हैं ना उनका सर होता है, यहां पर वास्तु पुरुष का सर होता है, और उसी तरह से ये दोनों कान यहां पर इस तरह से, तो यहां पर रहने वाले व्यक्ति जो इधर कटा हुआ है, यहां पर रहने वाले व्यक्ति उनका माइंड से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी, याद नहीं रहता रहेगा, और भी चीजें होती हैं जो आगे चलने, आगे आने वाले सेशंस में आपको आएंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कट जोन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। 50% वाला हो गया एक, एक हो गया कोने पे जो कट होता है या एक्सटेंड होता है। 50% का याद रखिए हमेशा ही, कट में अगर भूमि यहां पर है 50% से ज्यादा जो है, अगर कटे हुए में 50% से ज्यादा है तो वहीं तक है भूमि, फिर एक्सटेंड है। 50% से ज्यादा अगर बढ़े हुए में है तो कट गया, ठीक है ना, अगर यहां तक है बढ़ा हुआ तो इतना कट गया, अगर यहां तक कटा हुआ, अगर ये अंदर से यहां तक आता ना ऐसे ऐसे करके, ये अंदर से यहां तक आ रहा है तो ये बढ़ा हुआ है, कटा हुआ नहीं है, ज्यादा जो भी हो वो है, ठीक।
कटे और एक्सटेंड में अगर आपको और भी कोई आपके पास क्वेश्चंस हो या कुछ और तरीका आपको दिखता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देकर पूछ लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके और मित्रों के पास ये नॉलेज पहुंचे और कोई किसी से ठगा ना जाए, जिसको ना आता हो वो सीख ले। ये चीजें ऐसी हैं, बेसिक हैं, यहां तक लोग पहुंच नहीं पाते ठीक से, लोग ऊपर ही ऊपर चले जाते हैं। ठीक है,